Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों, आज मंडे है तो आज के दिन हम बिग बॉस भले ही ओटीटी हो या दूसरा बिग बॉस हो, आज के दिन हम बताते हैं टॉप 10 और टॉप 7 और टॉप 6 जितने भी बच गए हैं। अभी 6 सदस्य घर में बचे हैं, तो टॉप 6 लेके मैं हाजिर हूं कि कौन है नंबर 1 पे और कौन है छठे स्थान पे। तो क्यों है, लेकिन बात करते हैं पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन भी दबा दे, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो दोस्तों, नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। नंबर 6 पे आप सभी को पता है कि कौन है नंबर 6 पे। नंबर 6 पे बनी हुई है जो कि बहुत ही मेहनत तो कर रही है बिग बॉस के घर में, ये बिल्कुल सही बात है, खेल रही है, मेहनत कर रही है, एंटरटेन भी कर रही है बहुत सारे लोगों को, तरह तरह की बातें कर रही है, लेकिन वो हरकतें लोगों को पसंद नहीं आ रही है, लेकिन बिग बॉस की वो चहेती है, क्योंकि बिग बॉस मेकर्स ने आखिरकार फिर से एक बार उनको बचा लिया जनता की तेल लेने और लास्ट में पब्लिक की वोटिंग को साइड में रख के उनको बचा लिया गया, लेकिन जनता के हिसाब से वो नंबर 6 पे है, यानी कि सबसे नीचे है नेहा वसीन है नंबर 6 पे। नंबर 5 पे है राकेश बापट। बीच में लगता था कि बहुत मैच्योर, बहुत आगे तक ये हो सकते हैं, लेकिन गेम राकेश बापट के पास कुछ नहीं है। राकेश बापट बहुत ठंडे बाहर से भी लोग आते हैं तो कहते हैं कि हाँ मैं कंफ्यूज हूं, नहीं मेरे को नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है। तो भैया, आप बिग बॉस के घर में आए क्यों हो? शमिता शेट्टी से वो इतना दबते हैं कि दिव्या वाला मामला देखा तो दिव्या का बार बार पानी में मुंह डुबोया। शमिता शेट्टी के खिलाफ उनकी कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं होती है, और वो या फिर सच में उनको गेम समझ में नहीं आती है राकेश बापट को। तो राकेश बापट ये गनीमत है, फिर भी जनता के हिसाब से भैया नेहा वसीन से ऊपर है, यानी कि नंबर 5 पे है राकेश बापट। नंबर 4 की यहां पे बात करें तो नंबर 4 पे है निशांत भट्ट, जो कि निशांत भट्ट की गेम समझ में नहीं आती है, हर किसी के खिलाफ भी बोल लेते हैं, हर किसी की चुगली भी कर लेते हैं और हर किसी को बना के भी रखते हैं। उनका यह है कि एक दिन इसको पकड़ लिया, एक दिन इसको पकड़ लिया, एक दिन इसको पकड़ लिया, और बाद में फिर वो उनको पता है कि मैं ठीक तो कर ही लूंगा। निशांत भट्ट को हालांकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के तौर पे देखा जा रहा था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये विकास गुप्ता की कॉपी लगते हैं और निशांत भट्ट नंबर 4 पे है जनता के हिसाब से। नंबर 3 पे कौन है? 3 बचे हैं लोग जो के लगता है कि यही टॉप 3 होंगे। तो नंबर 3 पे है शमिता शेट्टी है नंबर 3 पे। शमिता शेट्टी की जो वोटिंग ट्रेंड में भी देखा जाए तो भी शमिता शेट्टी नंबर 3 पे ही आती थी, और शमिता शेट्टी की जो है ऑलरेडी फैन फॉलोइंग है, कई लोग शमिता शेट्टी को पसंद करते हैं, इसके लिए शमिता शेट्टी है नंबर 3 पे। नंबर 2 पे है दोस्तों प्रतीक सहजपाल। जी हाँ दोस्तों, प्रतीक सहजपाल कि गेम बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये बहुत इरिटेट करता है, यार इनकी गेम ठीक नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया वो बिंदास है, मुंह पे बोलता है और गेम उनकी सही है, भले ही वो टास्क रद्द कराता है। जैसे मूस जटाना ने कहा था कि वो भी माइंड की गेम है टास्क रद्द कराना भी, कि भैया अब नहीं है तो ना हम खेलेंगे ना खेलने देंगे हम, तो जैसे कहावत है ना, कि तो उसी के मुताबिक ये नंबर 5 पे प्रतीक सहजपाल है। नंबर 1 पे बनी हुई है दिव्या अग्रवाल के बाद अब तो जो है होस्ट ने भी कह दिया है कि दिव्या अग्रवाल ही सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अकेली खेली जा रही है वो बिना किसी सपोर्ट के, बाकी सभी स्पोर्ट्स के साथ जहां तक पहुंचे हैं। तो दिव्या अग्रवाल जल्दी जल्दी किसी को इरिटेट नहीं होती खुद, और लोगों को इरिटेट करती जरूर है, अपनी स्माइल से हंसती रहती है और तरह तरह की जो वन लाइनर मारती है, तो लोगों को दिव्या अग्रवाल की काफी गेम पसंद आ रही है। तो दिव्या अग्रवाल है नंबर 1 पे। तो कैसा लगा आपको ये टॉप 6 का वीडियो, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सही लगते हैं या फिर आपके हिसाब से नंबर 1 पे या नंबर 6 पे होना चाहिए था कोई और। कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।